you have to find how many revolutions does it make in one kilometer this is a very simple one and then if this wheel makes twenty eight revolutions in twelve seconds then you have to find speed of the cycle in kilometer per hour. it means already speed is given to you but in revolutions per second and that you have to convert in kilometer per hour so it's a unit conversion kind of question also okay a very easy question let's discuss it. So what is there in this? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सो देर इज अ व्हील सो लेट मी ड्रा वन व्हील फर्स्ट फॉर यू ठीक है सो लेट माई लेट मी पुट माई फोन ऑन चार्ज चलो ओके सो सबसे पहले हम लोग लेट मी मेक वन व्हील फॉर यू ठीक है अच्छा सपोज इफ दिस इज अ व्हील इफ़ दिस इज़ अ व्हील इट्स डायमीटर इज गिवन टू यू दिस इज द होल डायमीटर इट्स डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है वेरी इजी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है नाउ हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक सी डायमीटर इज 84 फोर सेंटीमीटर इफ डायमीटर इफ डायमीटर इज इक्वल टू 84 फोर सेंटीमीटर देन रेडियस विल बी इट्स हाफ रेडियस विल बी 42 टू सेंटीमीटर ओके एंड आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी या ऑब्जर्व करना पड़ेगा दैट इन वन रेवोल्यूशन सपोज कोई टायर है ठीक है सपोज इफ़ देर इज़ अ टायर आप लोगों ने बचपन में टायर चलाया है या नहीं आई डोंट नो ठीक है सपोज इफ दिस इज़ अ व्हील ये कोई टायर है सपोज़ ठीक है ये कोई टायर है और इस टायर का वन रेवोल्यूशन हम कैसे करेंगे इट्स वन रेवोल्यूशन विल बी सपोज ये एक पॉइंट है इस टायर में ठीक है तो ये टायर जब टर्न करेगा तो ऐसे टर्न करेगा और और दोबारा ये घूम के यहीं पर आ जाएगा इसका एक पॉइंट सो दिस टायर विल कवर सम डिस्टेंस ठीक है ये टायर थोड़ा आगे जाएगा ऐसे उस वक्त ये जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ होगा फिर घूमेगा फिर ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा फिर घूमेगा ये पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा ठीक है तो जब ये टायर विल गोइंग टू रोटेट ओके और जब इसमें वो जो पोजीशन है जो मैंने पॉइंट आपको दिखाया ब्लू कलर का जब वो टॉप में आ जाएगा दैट विल बी कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ओके वो उसका एक रेवोल्यूशन होगा तो एक रेवोल्यूशन तो ये जो डिस्टेंस इसने टायर ने कवर करिए दिस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ दिस टायर ओके अगर मैं इस टायर को इस टायर को यहाँ से कट करूंगा एंड इफाइल ओपन इट ठीक है तो वो जो डिस्टेंस आएगी टोटल इट विल बी नथिंग बट द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द टायर ठीक है सो लेट मी रब दिस इसको मैं रब कर लेता हूँ तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए दैट वन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट ओके From here, you should know that one revolution, one revolution is nothing but is nothing but circumference circumference of the wheel, Circumference of the wheel. This is one revolution. Okay? Chalo, bache. Now they are giving examples, sir. I used to do it in my village. झिली मलिक सेंग ओके ठीक है इसको आप पेरीमीटर नहीं कहेंगे यू विल कॉल इट सरकम फेरेंस ओके मैम मैं ये जो ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ दिस कंप्लीट लेंथ ठीक है आउटर पेरीफरी की जो लेंथ है टायर की उसको हम लोग सरकम फ्रेंस कहते हैं ऑफ द व्हील ठीक है ओके सो अब सरकम क्या होता है ऑफ अ व्हील इज नथिंग बट सर्कल यू शुड नो फ्यू फार्मूलाज ओके आपको कुछ फार्मूलाज आने चाहिए सो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू

अगर आप इफ़लफाईट सेवेंस फोर्टी टू ओके एंड दिस विल बी दिस विल गोइंग टू टन थर्टी टू मीनस टू सिक्सटी फोर ओके वेरी गुड टू सिक्सटी फोर बच्चों ने ऑलरेडी दे दिया है सो दिस विल बी टू सिक्सटी फोर सेंटीमीटर सो वन रेवेशन में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं टू सिक्सटी फोर सेंटीमीटर अब आपसे क्या पूछा है देखो यहाँ पर यू हैव अ रिलेशन नाउ डिस्टेंस का और रेवोल्यूशन का रिलेशन आपके पास आ गया है

हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ये जो यूनिट कन्वर्जन है इसमें यू हैव टू बी वेरी साउंड तो ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा ठीक है अच्छा ये दो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो अब मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे एक किलोमीटर सी अब वट आई एम गोइंग टू डू नाउ तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ दैट वन किलोमीटर इज हाउ मैनी सेंटीमीटर सो वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर्स तो थाउजेंड लिख दिया मीटर के बदले आई एल राइट अगेन ंड्रेड सेंटीमीटर्स थाउजेंड इंटू हंड्रेड टोटल फाइव जीरो विल गोइंग टू कम ठीक है तो अगर मुझे ये चीजें पता चल गई तो मैं अब यहां पर लिखूंगा बाई यूजिंग यूनिटरी मेथड मेथड्री मेथड का यूज करते हुए विल गोइंग टू फाइंड इट ओके तो अब मुझसे क्या पूछा गया है एक किलोमीटर तो मैं ऐसे लिखूंगा अगर टू करता है एक रेव तो वन किलोमीटर में कितना करेगा वन किलोमीटर का मतलब है वन के आगे थाउजेंड इन टू हंड्रेड ऐसे लिख लेते हैं कितना सेंटीमीटर ठीक ओके मोर रेवोल्यूशन अच्छा स्टूडेंट्स आर सेइंग सर योर वॉइस इज सम टाइम्स आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑफ द कनेक्शन प्रॉब्लम ना चलो ठीक है ओके सो नाउ अब क्या करेंगे नाउ व्हाट विल गोइंग टू टू Okay, unitary method. More will going to come here. So, what is the formula for more? More by less into individual value. Okay. Is formula ko a se box. So this will be thousand into hundred more upon less is 264 into 1 revolution. Okay, if we'll solve this, you will get your answer. So इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा सो व्हाट विल बी द आंसर ठीक है आप इसको फ्रैक्शन में ही रखिए क्योंकि आगे कैलकुलेशन और है आप इसको टू से काट सकते हैं टू वन ज टू टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर ठीक है एंड यहाँ से टू काटेंगे सो दिस विल बी टू सिक्स ज ट्वेल्व टू सिक्स जट ट्वेल्व फिर टू से काटोगे तो दिस विल गोइंग टू बी गिव यू ट्वेंटी फाइव टू से काटोगे तो थर्टी थ्री और ये टू से काटोगे तो दिस विल गोइंग टू गिव यू फाइव हंड्रेड सो फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव यह आ गया फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी थ्री रेवोल्यूशन्स सो विच विल गोइंग टू गिव यू ट्वेंटी फाइव फाइव सर वन ट्वेंटी फाइव वन टू फाइव जीरो जीरो अपॉन थर्टी थ्री रेवोल्यूशन ठीक है इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओके टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया ओके हाँ हर्ष कुम्बरे सिंह सर दे आर टू ईजी येस दिस क्वेश्चन दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इजी तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया नाउ वट यू हैव टू फाइंड सी अभी जो फर्स्ट पार्ट हमारा आया है ना ये एक किलोमीटर में इतने रेवोल्यूशन आए हैं ना इसको मैं लिख लेता हूँ ये बड़ा काम की चीज़ है हमारे पास एक किलोमीटर में कितने रेवोल्यूशन होते हैं वन टू फाइव जीरो जीरो अपॉन थर्टी थ्री रेवोल्यूशनस इसको मैं संभाल के लख, रख लेता हूँ अपने पास क्योंकि दिस विल गोइंग टू हेल्प मी नाउ हाउ अब मुझसे क्या पूछा गया है ओके बच्चों ने इसको आ, सॉल्व करके थर्ट थ्री सेवेंटी एट पॉइंट सेवन एट मोहित आर्या हर्ष खुमरे ठीक है तो आप फ्रैक्शन में छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है ओके okay, अब आपको ये निकालना है दैट इफ द इफ दिस व्हील मेक्स ट्वेंटी एट रेवोल्यूशन इन ट्वेल्व सेकेंड सो दिस इज नथिंग बट स्पीड ओनली देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल इन किलोमीटर पर आठ ठीक है एंड नहीं होगा इन होगा ठीक है तो बड़ा ही आसान है कुछ भी नहीं है तो स्पीड आपको दी है स्पीड इज गिवन टू यू स्पीड इज हाउ मच गिवन टू यू ट्वेंटी एट रेवोल्यूशन इन ट्वेल्व सेकेंड्स ट्वेंटी एट रेवोल्यूशन इन ट्वेल्व सेकेंडस का मतलब पर ट्वेल्व सेकेंड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वेंटी एट ओके ट्वेंटी एट रेवल्यूशन अपॉन ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेल्व रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स भी इसको हम लिख सकते हैं ठीक है एक ही बात है यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सो दिस विल बी फोर सेवन ज दिस विल बी फोर थ्री जो ओके सो दिस विल गोइंग टू गिव अस सेवन बाई थ्री रेवोल्यूशन पर सेकेंड अब ये सेवन बाई थ्री रेवोल्यूशन पर सेकेंड को वी हैव टू कन्वर्ट इन टू किलोमीटर पर आर ये तो पूछा हुआ है हमसे ओके okay. अब सारी चीज तो हमें दी है एवरी एवरीथिंग इज गिवन टू अस ओके तो इसको हमें किलोमीटर पर आर में चे, चेंज करना है सो सी हियर सेवन बाई थ्री जो न्यूमरेटर में रेवोल्यूशन है ना इसको आप ऐसे भी बता सकते हो रेवोल्यूशन पर सेकंड अच्छा रेवोल्यूशन के बदले मैं ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ अगर वन किलोमीटर टू वन टू फाइव जीरो जीरो अपॉन थर्टी थ्री रेवोल्यूशन है सो वन रेवोल्यूशन विल बी हाउ मच वन रेवोल्यूशन विल बी हाउ मच थर्टी थ्री अपॉन वन टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो किलोमीटर ओके तो एक ही चीज़ है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा वट वट आई एम गोइंग टू डू हियर इज़ इक्वल टू सेवन बाई थ्री रेवोल्यूशन के बदले मैं कितना लिख दूंगा एन टू रेवोलूशन के बदले लिख दूँगा थर्टी थ्री अपॉन वन टू फाइव जीरो जीरो ये तो आ गया किलोमीटर न्यूमरेटर की यूनिट मेरी किलोमीटर हो गई है अपॉन सेकेंड्स अपॉन सेकेंड्स अब देखो सेकेंड्स यू शुड नो दिस ऑल्सो दैट वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स एंड वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड्स सो सो फ्रॉम हियर सेकेंड्स अगर हम वन आर देखेंगे तो वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू सिक्सटी सेकेंड्स और सेकेंड को हटाना पड़ेगा तो वन अपॉन ठीक है अगर मैं सेकेंड हटाऊंगा ओके सो यहाँ पर क्या है यहाँ पर सेकेंड है किलोमीटर पर सेकेंड है अब मुझे सेकेंड नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे आर चाहिए तो आर के लिए मैं क्या करूँगा टू डू हेयर सो सेवन बाई थ्री इन टू थर्टी थ्री अपॉन वन टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो इन किलोमीटर तो ऊपर है ही अपॉन सेकेंड की जगह मैं क्या लिखूंगा? सेकेंड की जगह मैं लिखूंगा वन अपॉन सिक्सटी इंटू सिक्सटी आर तो किलोमीटर पर आर तो दिस विल गोइंग टू कम इन द न्यूमेटर ओके इस तरीके से सेवन इंटू सेवन अपॉन थ्री इंटू थर्टी थ्री अपॉन वन टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी किलोमीटर पर आर बस ओके okay? वेरी इजी अब इसी को सॉल्व करना है तो आपका जो यूनिट कन्वर्जन है वो हो गया रेस्ट इज कैलकुलेश मेन चीज तो हो गया बाकी तो कैलकुलेशन है दो जीरो से दो जीरो काट लेते हैं थ्री इलेवन टाइम्स समझ में आ रहा है सो दिस विल गोइंग टू गिव यू सेवेंटी सेवन इंटू थर्टी सिक्स अपॉन वन टू फाइव किलोमीटर पर आर ठीक है इसको सॉल्व करो प्लीज सॉल्व इट टेल मी इन फ्रैक्शन ओनली न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आएगी डू सेवेंटी सेवन इंटू थर्टी सिक्स टेलमी द आंसर फास्ट सॉल्व इट बट विल गोइंग टू कम फास्ट कितना आएगा न्यूमरेटर में टू सेवन सेवन टू ठीक है अपॉन वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर लाइक दिस आल्सो ठीक है ओके सो टू सेवन सेवन टू अपॉन वन ट्वेंटी फाइव ओके